हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सर्दियां शुरू हो चुकी है। सर्दियों में हर घर में कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से कुछ गर्माहट के लिए बना करके तैयार करते हैं, क्योंकि सर्दियों में कमर दर्द, सर दर्द, ब्लड की कमी, ये आम बात है। तो आज मैं एक हेल्दी लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर दिन एक लड्डू आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, और मैं इस रेसिपी में कहीं भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। यहाँ हम चीनी के जगह पर गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हेल्दी ये लड्डू अपने आप में और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना गोंद के लड्डू। ये मैं लगभग 1 किलो लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ के लड्डू बनाएंगे तो लगभग 25 लड्डू बन के तैयार होंगे, और अगर मीडियम साइज़ के लड्डू बना करके आप तैयार करोगे तो लगभग 20 लड्डू बन के तैयार होंगे, और अगर उससे भी बड़े साइज़ के बनाएंगे आप तो 15 से 16 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी लड्डू को बनाने के लिए हमने चीनी के जगह पे जैगरी का यूज़ किया है, तो ये और ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। अगर आप ग्राम में नापेंगे तो गुड़ मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब लिया है। मैं इस तरीके से पाउडर फॉर्म का गुड़ लिया है मैंने। आप चाहें तो इस तरीके का ब्रिक्स वाला गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 100 ग्राम के करीब मैंने गोंद लिए हैं, और 250 ग्राम के करीब ही मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और ड्राई फ्रूट्स मैंने 70 ग्राम्स लिए हैं। कुल मिला के ये मेज़रमेंट 1 किलो लड्डुओं के लिए है, और जब आप इसको नापेंगे तो ये पूरा 1 किलो ही होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स 1 किलो के करीब ही आएंगे। इसमें 250 ग्राम के करीब घी जाएगा, और ये देखिए कुछ मैंने बेरीज भी लिए हैं। अब अगर इस लड्डू का इस्तेमाल अगर आप व्रत में करना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे के जगह पर सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पे आपको सिंघाड़े का आटा या फिर गेहूं का आटा जो भी आप लेंगे वो आपको 100 ग्राम के करीब लेना है। इसमें घी लगभग 250 ग्राम के करीब जाएगा, और जैगरी भी 250 ग्राम मतलब गुड़ का इस्तेमाल 250 ग्राम ही हमें करना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आज हम ये हेल्दी लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप चाहें तो एक बार में सारा घी डाल करके और आप सारी चीज़ों को बारी बारी से फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं 2-2 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी और सारी चीज़ों को अलग अलग फ्राई करूंगी। जैसे कि मैंने सबसे पहले मैं बादाम लूंगी, बादाम को सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मैंने 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया है अपने पैन के अंदर। तो सबसे पहले घी अगर गर्म हो जाए तो उसमें हम अपने बादाम को डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अपने आलमंड्स को डाल करके उसको रोस्ट कर लेंगे। इस स्टेज पर हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रहेगा, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे धीरे धीरे सेकना है। आप चाहें तो अगर घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और कम से कम करना चाहते हैं तो इन ड्राई फ्रूट्स को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बादाम में ही मैंने काजू ऐड कर दिया है, और काजू को भी हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अब जब बादाम और काजू अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो मैं अपने और सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो धीरे धीरे ऐड करती जाऊंगी। और सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे डेट्स हैं, जैसे खजूर है, आप जो भी यूज़ करते हैं जैसे डेट्स है या फिर खजूर है या फिर किशमिश है, इन सबको धीरे धीरे ऐड करते जाइए। तो ये देखिए ये मैंने कुछ बेरीज ले लिए हैं, कुछ किशमिश हैं, इन सबको इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो नट्स हैं वो धीरे धीरे रोस्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। जब हमारे बड़े नट्स जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो आप उसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऊपर से किशमिश ऐड कर दिया, और किशमिश ऐड करने के बाद किशमिश को बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहें तो किशमिश को अलग से भी 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करके निकाल लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं लगभग 2 से 3 चम्मच घी के अंदर। आप चाहें तो ज़्यादा घी डाल करके इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, इसे अच्छे से तल के भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब मैं वापस से उसी पैन में 2 से 3 चम्मच घी ऐड करूँगी, और घी ऐड करने के बाद इसमें हम देखिए मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है, और इसमें अब हम अपने गोंद को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 बैच में थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर लिया है।
क्योंकि गोंद को हम रोस्ट नहीं कर सकते, उसे अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें घी थोड़ा ज़्यादा लगेगा और मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच घी लिए हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमें गोंद को अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही आप इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे आप देखेंगे ये फूल करके बड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से हम 2 से 3 बैच में अपने सारे गोंद को धीरे धीरे करके फ्राई कर सकते हैं, या तो फिर आप ज़्यादा घी का इस्तेमाल करिए और एक बार में सारे गोंद को फ्राई करके निकाल सकते हैं। इस रेसिपी में हमें कुल मिला के 250 ग्राम के करीब ही घी ऐड करना है। अगर आप घी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो लड्डू है वो हाथों में लगेगा और चिपचिपा सा बनेगा, तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारे गोंद जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से तल चुके हैं। अब इसी सेम पैन में हम 1 बड़ा चम्मच के करीब घी ऐड कर लेंगे और घी ऐड करने के बाद हम अपने कोकोनट को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसी सेम पैन में 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर दिया और अपने कोकोनट को भी ड्राई रोस्ट कर लिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमें धीरे धीरे कोकोनट को भी रोस्ट कर लेना है। बस केवल ध्यान ये रखना है कि जब आप कोकोनट रोस्ट करेंगे इस तरीके से डेसिकेटेड कोकोनट, तो आपको यहाँ पे फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है। ये देखिए अब इसी सेम पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब घी वापस से ऐड किया है और इसमें हम अपने आटे को फ्राई करेंगे। मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहें तो इस स्टेज पे सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं। अगर आपने फास्ट में खाना है, आपने व्रत में खाना है, तो आप सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें अपने आटे को अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल हमें इसे अच्छे से भूनना है। इसे भूनने में कम 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा, तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि इस स्टेज पे हमारा फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रहेगा। मतलब कभी हम इसे लो करेंगे, कभी हम उसे मीडियम करते हुए हम अपने आटे को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा भी जो है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम किसी एक बड़े बर्तन में, बड़े परात में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें करना है ठंडा हो रहा है। हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, हमारा गोंद जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसका फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसे हम डालेंगे अपने मिक्सर जार में और उसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स को चाहें, आप नट्स को चाहें तो थोड़ा सा दरदरा कूट सकते हैं। ऊपर से हम किशमिश जो हमने फ्राई किया था उसे भी हम ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम सबसे लास्ट में उसी सेम पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे और घी ऐड करने के बाद उसमें हम अपने गुड़ को ऐड कर देंगे। गुड़ को हमें उसमें ट्रांसफ़र करना है उसी पैन के अंदर, लेकिन इस स्टेज में हमारा फ्लेम जो है वो लो रहेगा, क्योंकि हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं तैयार करनी, हमें केवल सिंपल गुड़ को मेल्ट करना है। जब हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, आप 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, आप देखेंगे आपका गुड़ जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरीके से जब आप 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो आपका गुड़ जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज पे केवल हमें गुड़ को मेल्ट करना है, उसकी कोई चाशनी तैयार नहीं करनी। जैसे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इस गुड़ की हम अपने ड्राई फ्रूट्स और आटे के मिक्सचर में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है और चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स करना है। अब इस मेल्टेड गुड़ को हमें आटे में गरम गरम ही मिक्स करना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे गरम में हम अपने हाथ को न लगाएं, क्योंकि ये जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने दें, मतलब इसे हमें बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो फिर ये लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसको अपने हाथों से मिक्स कर सकें। तो ये देखिए इसे हमें धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स करना है।
मतलब ये सारे ड्राई फ्रूट और आटे के मिक्सचर में गुड़ को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और जब ये हल्का गुनगुना हो, ल्यूक वॉर्म हो, तभी हमें इसे इसका लड्डू जो है वो बनाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे अपने दोनों हाथों की हेल्प से गुड़ को और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके और झटपट से हमें इसका लड्डू बना के तैयार करना है, क्योंकि जैसे मिक्सचर ठंडा हो जाएगा उसका लड्डू बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब हमारा ये मिक्सचर हल्का गर्म रहे तभी हमें इसका लड्डू बना लेना है। जब मिक्सचर हल्का गुनगुना रहेगा तभी लड्डू बंधेंगे, अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या तो वो बंधेंगे ही नहीं। तो हमारा जो मिक्सचर है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए और इसे हमें झटपट लड्डू, देखिए इस तरीके से हमें लड्डू को बांधना है। अब अगर आप इतने मिक्सचर से एक छोटे साइज़ के लड्डू बांधेंगे तो वो लगभग 25 से 26 के बंद करके तैयार होंगे, लेकिन अगर आप एक मीडियम साइज़ के लड्डू बांध करके तैयार करते हैं तो ये 20 लड्डू के करीब बन के तैयार होंगे, लेकिन आप एक बड़े साइज़ का लड्डू बनाते हैं तो वो 15 से 16 लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें झटपट से लड्डू बना के तैयार कर लेना है, अपने हाथों से अपनी उंगलियों की हेल्प से इस तरीके से लड्डू बांधना है। तरीके से हमने सारे लड्डूए जो हैं वो बांध करके तैयार कर लिए हैं। इसी सेम प्रोसेस से आप भी लड्डू बांध करके तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं।